वरमाला, ये हाथ नहीं महापाप है, ये हाथ हमें दे दो प्रभु। नहीं छोड़ो, ये हाथ हमें दे दो स्वामी। ये क्या कर रहे हो पापी हो नराधम हो? गुरुजी आपकी सहायता का प्रयास कर रहे हैं। थू। हमारी सहायता कैसे? गुरुजी अब आप तो जानते ही हैं कि गुरु माता के हाथ तो अत्यंत ही कोमल हैं। अब वो अपने कोमल कोमल हाथों से आपके कठोर कठोर हाथ काटेगी तो आपको अत्यंत पीड़ा होगी गुरुजी। और ये जो नासूर होता है नासूर, इसे तो एक ही बार में शरीर से काट कर दूर फेंक देना चाहिए। इसीलिए तो हमें दराती की धार तेज कर रहे हैं मणि, धार और तेज, ताकि एक ही बार में गुरुजी के पापियात उनके शरीर से पृथक हो जाएं। चुप दुष्ट, अरे तुम जैसे शिष्य से तो यमराज का भैंसा श्रेष्ठ। अरे हमारे हाथों के शत्रु वो, इसे धार लगाना बंद करो, इसकी ध्वनि से हमारा रक्त जम जाता है। सुनते नहीं, हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम दोनों को भस्म कर देंगे। भागो यहां से, भागो यहां से। ये मूर्खों की टोली कहीं सचमुच हमारे हाथ ना काटती। अच्छा अफसर, यहां से पलायन कर जाते हैं इससे पहले कि वरुण माला या कोई और हमें देखे। हम इस नगर से, इस राज्य से कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ, युद्ध से भी बच जाएंगे और इस वरुण माला से भी। पोटली कहाँ है? पोटली कहाँ है? अम्मा, शालदा, शालदा, अरे जल्दी आओ, शालदा, अम्मा। देखो, लामा ने मुझे बदले दिया और कहा कि तुम्हें देने के लिए और वो स्वयं में चला गया। अम्मा शारदा, मैं जानता हूँ शायद आपको ये पत्र चकित करेगा, पर मुझे विश्वास है कि आप समझेंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं अब पुनः तभी लौटूंगा जब माँ के आभूषण प्राप्त कर लूंगा और इस युद्ध को भी रोक दूंगा। मंत्रीवर, मैं धनंजय मुदलियार से भेंट करने जा रहा हूँ। आपकी अनुमति न प्रदान करने के पश्चात भी मैंने ये निर्णय लिया है, इस हेतु मुझे क्षमा करें। सारे घटनाक्रम को देखते हुए मैं निष्क्रिय होकर घर में नहीं बैठ सकता हूँ। आप चिंता न करें, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। पुनः आने पर इस दृष्टता के लिए आप जो भी दंड निर्धारित करेंगे मुझे स्वीकार है। ये पंडित रामकृष्ण भीना न किसी की सुनते हैं न किसी की मानते हैं, बस अपनी ही मनमानी करते हैं। शालदा, ये लामा कहाँ गया? क्या करने वाले? मुझे तो डर लग रहा है। हमें भी नहीं पता ये क्या है और ये कहाँ गए। हे माँ, इनकी रक्षा करना। गुरुजी, तुम गुरुजी इस तरह कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, चोरी चोरी छुप छुप कर? कहीं भी, जब तक कि युद्ध समाप्त ना हो जाए या इसका कोई परिणाम ना निकले, हम कहीं अज्ञातवास में जाकर रहेंगे। हाँ हाँ, चले जाइएगा गुरुजी, पर कुछ क्षण प्रतीक्षा तो कीजिए। क्यों? मणि मणि, जा जा जा, गुरु माता को बुला कर जा जा जा। अरे उसे क्यों? गुरुजी प्रस्थान करने से पहले गुरु माता से नहीं मिलेंगे, हमने उनको दराती भी दे दिया है। हाँ हाँ, जाने से पूर्व आपका प्रायश्चित भी पूर्ण हो जाएगा। गुरुजी फिर आप आराम से प्रस्थान कीजिएगा। जी गुरुजी। दुष्ट, अरे उससे अच्छा की रक्षा करने के लिए तो हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं और तुम उसे ही आमंत्रण दे रहे हो। ये तुम दोनों ये पोटली लेकर कहाँ जाने का विचार कर रहे हो? गुरुजी अब शिष्य भी आप ही के हैं तो आप ही की भांति विचार करेंगे ना। गुरुजी आपको नहीं पता, जब आक्रमणकारी राज्य में प्रवेश करते हैं सबसे पहले स्त्रियों और पंडितों का वध करते हैं। गुरुजी पंडितों का? हाँ, आपके साथ साथ हमें भी तो अपनी रक्षा करनी है। हमें भी ले चलिए ना गुरुजी। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम दोनों भी हमारे साथ प्रस्थान करो, परंतु परंतु हमारी एक शर्त है, वरुण माला को इस विषय में तुम कुछ नहीं बताओगे। नहीं बताएंगे गुरुजी, किंतु 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 क्या? हमारी भी एक शर्त है गुरुजी। है? क्या? नालायको,
गुरु पैदल चल रहे हैं और तुम दोनों अश्व पर बैठे हो। लज्जा करो। लज्जा आ रही है गुरुजी, आ रही है। देखिए कितने लज्जित होकर तुम बैठे हुए अश्व पर। हाँ गुरुजी, हमारा तो अश्व भी लज्जित हो रहा है गुरुजी। अरे मूर्खो, कम से कम ये पोटली तो अपने पास रख लो। देखिए गुरुजी, हमने इस स्थिति के बारे में आपको पहले अवगत करा दिया था। यदि आपको उचित नहीं लग रहा हो तो अभी चले जाते गुरु माता के पास। नहीं 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 नहीं, वही वाली कहावत हो गई गुरुजी, नेकी करो दरिया में डाल। दुष्टो, दरिया में तो हम तुम्हें फेंकेंगे और पीछे छोड़ेंगे एक मोटा मगरमच्छ। ऐसा कीजिए गुरुजी, आइए आप भी आशो पे बैठ जाइए, हम जाते हैं पैदल और गुरु माता जी से सब कुछ साफ साफ बता देते। आइए बैठिए। नहीं, हम पैदल ही ठीक है। मेरे प्रिय शिष्य तुम बैठो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी, आप गुरु हैं और हम चेले। हम आपकी आज्ञा का निरादर भला कैसे कर सकते हैं। ईश्वर, एक अश्व हमारे लिए भी भेज दीजिए। निकल तो गया है रामा, परंतु वहाँ पहुँच कर करेगा क्या, कुछ सोचा है? नहीं बंधु, और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। अब वहाँ पहुँच कर ही देखा जाएगा कि क्या होता है। रामा देख, सूर्य पश्चिम दिशा से उदित हुआ है। अरे ये क्या, गुरुदेव पैदल और गधे अश्व पर। गुरुजी, आज आपने इससे अधिक भी कुछ मांगा होता तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती। कैसे? वो देखिए सामने सामने अश्व आ रहा है। गुरुजी, ये तो पंडित रामकृष्ण अश्व पर बैठे चले आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। ये कैसी अनहोनी, गुरु पैदल और शिष्य अश्व पर। मैं बताता हूँ। बताएंगे हम बताते हैं। वो क्या है ना कि एक अच्छे गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों को कष्ट ना दे। हम वही कर रहे हैं। इन्हें कष्ट ना हो इसलिए हमने इन्हें अश्व पर बिठा दिया। देखिए इनकी पोटली भी हम उठाए चल रहे हैं। वाह वाह, धन्य है गुरुवर, आप तो धन्य है। वो तो हम हैं जी। वैसे आप प्रस्थान कहाँ कर रहे हैं? हम तो वो भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए? अश्व, शिष्य और पोटली लेकर भ्रमण के लिए? आप भी तो अश्व लेकर भ्रमण पर ही निकले हो ना? ना ना गुरुवर, मुझे तो दूर राज्य में जाना है ना। और वैसे मुझे ज्ञात है कि आप भ्रमण हेतु नहीं, विजयनगर से पलायन के लिए निकले हैं, है ना? हाँ। नहीं, हम पलायन क्यों करेंगे? युद्ध के भय से। हमें कैसा भय, हम तो अपने मंत्रों की शक्ति से शत्रुओं को भस्म कर दें। मैं नहीं कर सकता ना गुरुवर। हम जानते हैं जी। अब आपसे क्या छिपाना, सत्य कहूँ तो मैं भ्रमण हेतु नहीं निकला हूँ, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए विजयनगर से भाग रहा हूँ। हम भी तो विजयनगर से भागे जा रहे हैं गुरुजी के साथ। परंतु पंडित रामकृष्ण, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रहूँ, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के पास, जिसके समक्ष सारे महाराजा और सुल्तान नतमस्तक होते हैं। ऐसा कौन सा धनी व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते, और वो आपको अपनी छत्रछाया में क्यों लेगा? क्या बताऊं गुरुवर, बड़ा ही दयालु है और हम पंडितों का तो बहुत आदर करता है। अच्छा, तो हम भी पंडित हैं, हम तो महापंडित हैं, हम भी चलते। हम भी छोटे छोटे पंडित हैं। परंतु वो सज्जन है कौन? वो सज्जन है धनंजय मुदलियार। जी गुरुवर, मैं उसी से भेंट करने जा रहा हूँ। मेरी बात मानिए गुरुवर, आप भी मेरे साथ चलिए। क्या है कि मैं उनसे आग्रह करूंगा कि युद्ध ना करें, तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे ना। आप जैसे ज्ञानी पंडित साथ रहे तो संबल रहेगा। अरे छोड़िए, मूर्ख हैं आप, स्वयं तो मृत्यु के मुख में जा रहे, हमें भी ले जाना चाहते हैं। चले चलिए ना गुरुजी, पंडित रामकृष्ण के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ गुरुजी, आपको स्मरण नहीं है, पंडित रामकृष्ण स्वयं को और आपको हमेशा समस्याओं से बचाते चले आए। ये तो सत्य है। यदि ये युद्ध रोकने में सफल हुए तो इसमें भी आपका ही लाभ होगा गुरुजी। कैसे? आप ऐसे ही करना गुरुजी, जो आप हमेशा करते चले आए, युद्ध रोकने का श्रेय आप ले लेना। हाँ। और यदि ये युद्ध रोकने में सफल ना हुआ तो सदैव की तरह अपना पक्ष बदल लेना गुरुजी और रामा के विरुद्ध हो जाना। पंडित रामकृष्णा। जी गुरुवर। हम विजयनगर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। मुझे ज्ञात है गुरुवर, हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। मुझे ये भी ज्ञात था गुरुवर। तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपको हमारे अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अवश्य अवश्य, धन्यवाद मेरे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आपको पता है
सचमुच बड़े बुद्धिमान है। रामा, बुड्ढे के मस्तिष्क में ना अवश्य नया प्रसंग आया है। गधा, अश्व से उतरो, अब अश्व पर हम बैठेंगे। नहीं गुरुजी, नहीं। उतरो, अन्यथा यहीं जंगल के बीच में छोड़कर चले जाएंगे। उतरते हैं गुरुजी। अरे क्या हुआ, लो दाना डालो, कबूतर के लिए दाना डालो। अरे बेटा, मिट्टी मिट्टी नहीं, हाथ गंदे हो जाएंगे। हाँ, मिट्टी से नहीं खेलते। बेटा सूर्या, पत्थर से नहीं खेलते। ये लो, तुम कबूतरों को बुलाओ। स्वामी, आपके सारे संदेश और शगुन संबंधित राजा और सुल्तानों के पास पहुंच गए, सब भगवान की कृपा है। अच्छे से अच्छे सैनिकों की भर्ती की जा रही है, उन्हें दोगुने वेतन का प्रलोभन भी दिया गया है, और साथ ही साथ में युद्ध के पश्चात मिलने वाले इनाम की भी घोषणा की गई है। स्वामी मुंशी जी, दाना अच्छा डालोगे तो कबूतर भी अच्छे आएंगे। वाह वाह स्वामी वाह। अरे हमारा पोता कहाँ गया, अभी तो यहीं थे। सूर्या सूर्या, सूर्या सूर्य कुमार, सूर्य कुमार, धनंजय जी। हमारी तो जान ही निकल गई थी। ये तो अच्छा है धनंजय जी कि हम यहाँ समय पर पहुंच गए और पंडित रामकृष्ण ने इस बालक की रक्षा की, तभी तो ये सुंदर बच्चा बावड़ी में गिरते गिरते बच गया। हम आपके आभारी हैं पंडित रामकृष्ण। इनसे मिलिए, यह हमारे गुरुदेव पंडित तथाचार्य, इन्होंने भी इस कार्य में थोड़ी सहायता की, तभी तो पंडित रामकृष्ण इस बालक को बचा सके। हाँ। जी हम आपके भी आभारी हैं पंडित तथाचार्य। आइए, तो हमें बताएंगे कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। जी हमारे गुरुवर हैं राजगुरु पंडित तथाचार्य, और मैं महाराज श्री कृष्ण देव राय का विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण। बहुत नाम सुना है आपका। हमारा नहीं सुना? धन्य भाग हमारे के आज दर्शन भी हो गए। कहिए, कृष्णदेव राय ने किस प्रयोजन से भेजा है आप दोनों को हमारे पास? विजयनगर साम्राज्य पर आने वाले प्रलय से भयभीत हो गए होंगे। अभी तो पर्याप्त वक्त है, उन्हें स्वयं यहां उपस्थित होना था और वही करना था जो संदेश हमने उनके लिए भेजा था। महाराज श्री कृष्ण देव राय ने हमें यहाँ नहीं भेजा, उन्हें तो ज्ञात भी नहीं है कि हम यहाँ आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित हुए। हम यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। आप उनको सूचित करके आए हों या बिना सूचित किए, आपके यहाँ आने का लक्ष्य तो हम श्री कृष्ण देव राय की रक्षा करना ही है ना? नहीं, मैं यहाँ आपकी रक्षा के लिए आया, महाराज श्री कृष्ण देव राय से। देखिए धनंजय जी,
हम यहाँ आपकी और उन असंख्य लोगों की सुरक्षा के प्रयोजन से आए हैं जो इस युद्ध की विभीषिका में नष्ट हो सकती है। मां के आभूषण चुराकर आपने अत्यंत ही घृणित कार्य किया है। क्षमा करें, परंतु इसके लिए आपको लज्जित होना चाहिए। ये महापाप है। कृपा करके आप मां के आभूषण लौटा दें, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। ये क्या कर रही हो पंडित रामकृष्णा? सबका सर्वनाश करवाऊंगी। मैं तो वही कह रहा हूँ गुरुवर, जो सत्य है। देखिए धनंजय जी, यदि कोई समस्या है तो हम उस पर चर्चा करके उसका हल निकाल सकते हैं। माँ के आभूषण तो अत्यंत पवित्र और अतुल्य हैं। उन्हें चुराना अत्यंत ही घृणित कार्य है। मेरा आपको सुझाव है कि आप यथाशीघ्र उन्हें लौटा दें। इसी में सभी की और विशेषकर आपकी भी भलाई। असंभव। जो ठेस उन्होंने हमारे सम्मान को पहुंचाई है, उसका प्रतिशोध तो हम लेकर रहेंगे। सम्मान पृथक होता है और अभिमान पृथक। और ये तो आपको भी ज्ञात ही होगा कि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था। ये आपको रावण कह रहे हैं स्वामी? अरे यार, बहनी में घृत क्यों डाल रहे हैं? शांत रहिए। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हो? शूर्पनखा की तरह हमारा नाक कटवाओगे क्या? और मैं तो केवल इन्हें सचेत कर रहा हूँ कि इनका सर्वनाश भी रावण की भांति ही होगा। इतना दुस्साहस कि हमारे घर में घुस के हमें धमकी दोगे? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपको मृत्युदंड दे सकता हूं। हमें नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। ये इनका विचार है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम प्रस्थान करते हैं। आपसे भेंट करके अति प्रसन्नता हुई, पुनः मिलेगी। चलते हैं, प्रणाम। सिपाहियों, रामा अपनी जीवा पर नियंत्रण क्यों नहीं रखता? क्या करने आया था और क्या कर दिया? युद्ध तो जब होगा तब होगा, तू पहले ही मारा जाएगा। युद्ध तो रोकना ही है बंधु, और माँ के आभूषण भी पुनः प्राप्त करने हैं। अब तू विजयनगर नहीं सीधे स्वर्ग जाएगा, क्योंकि जो तू सोच रहा है ना वो असंभव है। असंभव शब्द में ही संभव छिपा होता है। तू माँ की शक्ति पर विश्वास रख। युद्ध में हारता वही है जो पहले ही हिम्मत हार जाता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। महाराज। मां मंत्री जी। महाराज, हमारे पास 40,000 पैदल सिपाही हैं, 5,000 अश्वसेना है और 1,000 हाथी। मछलीपट्टनम से आपके भ्राता श्री अच्युत देव अपनी समस्त सेना और अन्य सामंतों के साथ युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं महाराज। और शत्रुओं की सेना? महाराज, गुप्तचरों से प्राप्त समाचार के अनुसार उनके पास 2 कोटि पैदल सैनिक हैं, 20,000 अश्वसेना है और 5,000 हाथी है। ऐसा लगता है महाराज कि 20 सेनाओं को मिलाकर एक सेना का निर्माण किया हो। महाराज, उनके अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद हमसे 5 गुना अधिक है। उनकी सेना हमसे 5 गुना शक्तिशाली है महाराज। शक्तिशाली नहीं मां मंत्री जी, मात्र 5 गुना विशाल है। क्योंकि शक्ति संख्याओं में नहीं, भुजाओं में होती है। हमारी विजय होने की इच्छा, हमारा साहस, हमारा दृढ़ संकल्प हमें उनसे 10 गुना अधिक शक्तिशाली बनाता है। सत्य वचन महाराज। और स्मरण रहे, ये युद्ध हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अभी तो माता के आभूषणों के लिए लड़ रहे हैं। तो धर्म किसके पक्ष में रहा? हमारे। और माता का आशीर्वाद? वो भी हमारे महाराज। मां मंत्री जी, अपने गुप्तचरों को आदेश दीजिए कि हमें अपने शत्रुओं की एक एक गतिविधि के विषय में जानकारी चाहिए, और उसके आधार पर हम अपनी रणनीति बनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। ले जाओ इन्हें। हे भगवान, बालक में ईश्वर का वास होता है, ये बात पुनः सिद्ध हुई। ये बालक हमारे प्राण बचा ही लेगा। हम तुमसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करते सूर्य कुमार,
लेकिन इन लोगों ने जो हमारा अपमान किया है, हमारा तुम्हारे प्रति अतुल्य प्रेम भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी, प्रतीत होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसी जाएगा। चलिए गुरुजी, तुलसी का पौधा ढूंढते हैं। क्यों? सुना है कि मरने से पहले मुंह में तुलसी का पत्ता रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अगला जन्म फिर से मनुष्य का ही मिलता है। तुम सभी का अंतिम समय आ गया है। जितना भी खुसरू खुसरू करना है कर लो, सब भगवान की कृपा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.